मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सियासी तौर पर पंगा लेना सुनील सिंह के लिए भारी पड़ गया। अब उनकी सदस्यता लगभग जानी तय मानी जा रही है, इसलिए कि बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के दौरान बहुत सारी जो नियमावली है, बहुत सारे जो कानून है, उसका उल्लंघन सुनील सिंह से हो गया था। सुनील सिंह को आप भली भांति जानते हैं, बिस्कोमान समेत कई सारे सरकारी संस्थानों से वो जुड़े हैं और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं और वो लगातार विपक्ष के तौर पर भी रहते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते रहे। और एक वक्त तो ऐसा आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें कहा था कि 2 मिनट में आपका इलाज कर दिया जाएगा, हम आपकी जांच करा देंगे बिस्कोमान की तो सारा पोल खुल जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही महिलाओं को लेकर के जो एक विवादित बयान दिया था, जो अपना वक्तव्य उन्होंने बिहार विधानमंडल की कार्रवाई के बजट सत्र के दौरान दिया था, उसके बाद जो है कई सारी चीजें हुई, सरकार गिरी बनी और सुनील सिंह का जो बयान था वो एक तरह से समझिए कि जो आचार समिति है उनके पास चला गया था। इनकी अनुशंसा की जा रही थी कि भाई इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, इसलिए कि सदन के सबसे बड़े नेता पर इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से महिलाओं पर टिप्पणी की, उसके बाद जो है इन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि उस वक्त बीजेपी जो है उन पर हमलावर थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदली उसके बाद जो है सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री की और वही सारा जो मामला है उसके लिए उनके लिए काल बन गया सियासी तौर पर। हालांकि अब तक उनका 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और उम्मीद यह है कि कल सुबह जो है इसकी जब बिहार विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होगी उस वक्त इस पर मुहर लग जाएगी। हालांकि इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक डेलीगेशन मिला था जिसमें राबड़ी देवी थी, अब्दुल बारी सिद्दीकी थी और आरजेडी के जितने भी एमएलसी है, महागठबंधन के जितने एमएलसी है, वो सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने गुहार लगाने गए थे और उन्होंने कहा कि आप गार्जियन, अगर किसी तरह की भूल चूक हुई है तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। और सुनील सिंह ने इस मामले को लेकर के बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान भी अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा था, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अगर पहली बार गलती हो तो कोई माना जाए, लेकिन आप जानबूझ के अगर इस तरह के नेता पर टिप्पणी करेंगे तो माफ करने के लायक नहीं है। जो आचार समिति से उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सुनील सिंह को इस नियमावली के तहत जो है उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की जाए और ये जो रिपोर्ट है वो पटल पर रख दी गई बिहार विधान परिषद के जो सभापति है अवधेश नारायण सिंह उनके सामने। और अब ये माना जा रहा लगभग तय है कि सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उनका 2 साल का कार्यकाल था, आपने उनको देखा वो किस तरह से आक्रामक बिहार विधान परिषद के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधा वो अटैक करते रहते हैं और हमेशा से जब से वो चुने गए हैं उसके बाद से सत्ता में रहते हैं तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला किया। जब वो गठबंधन में शामिल थे उस वक्त भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, एक्स पर जो है वो लगातार लिखते रहे मुख्यमंत्री के खिलाफ, इशारे इशारे में, किनाए में, कई तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन अब जो आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है उसमें नीरज कुमार हैं, नवल किशोर यादव और कई और भी अन्य लोग हैं जिन्होंने अपना हस्ताक्षर किया है और समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी है। और इस रिपोर्ट पेश करने के बाद, यानी इस तरह से समझिए कि एक फैसला है, सिर्फ उसमें सभापति को मुहर लगाना बाकी है। सुनील सिंह लगातार इस बिहार विधानमंडल की जो कार्रवाई शुरू हुई मानसून सत्र, इस दौरान भी लगातार आक्रामक थे, वो कार्यस्थगन प्रस्ताव ला रहे थे, वो जिस तरह से राज्य में घटनाएं घट रही उसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी मान रहे थे, उनसे जवाब तलब कर रहे थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के दरमियान वो कोशिश ये भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद से अगर इन सारे मामलों को देख करके माफ कर दें तो शायद उनकी गर्दन जो है वो बच जाएगी। लेकिन अब सियासी तौर पर समझिए कि उनकी गर्दन पकड़ी गई है और अनुशंसा जो है वो कर दी गई है और हो सकता है कि कल सुबह में जब हाउस की कार्रवाई शुरू होगी उस वक्त सुनील आपके सामने नजर नहीं आएंगे और उनकी सदस्यता जो है वो लगभग समाप्त मानी जाएगी। 2 साल का कार्यकाल था और अब जो दूसरे कोई होंगे उन्हें भेजा जाएगा, लेकिन सुनील सिंह अब बिहार विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे कल जब फैसला आ जाएगा।